रुक जा वेलकम भाई। बैक टू अबस्टैक द व्लॉगर। तो हम निकल चुके हैं एक नई यार जर्नी के लिए सही और बना रहे आज मेरे क्या साथ नए लोग हैं। नए लोग इसको आप जानते होंगे, मेरा दोस्त, और ये मेरे स्कूल के सारे दोस्त, ड्राइवर हमारे जो कि है नहीं, बहुत तगड़ी गाड़ी चलाते हैं। और गाइस हम जा रहे हैं अब कहाँ पर जा रहे हैं भाई? अरावली हिल्स। अरावली हिल्स, तो आपको दिखाएंगे मस्त अरावली हिल्स में कैसे कैंपिंग की जाती है। तो फॉलो करते रहिएगा अबस्टैक द व्लॉगर को अंत तक। अब लेना और केरोसिन लेना भाई, दो चीजें लेनी है। तो तूने गलत नहीं लिया अभी तक केरोसिन? मैंने कहा तो कब और केरोसिन किधर से लेना, जल्दी बता भाई। मैं सारा सामान नीचे से ले। A heart speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun, as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. प्लीज हम लोग आ गए दिल्ली के पहाड़ देखने। ये सारे खुश हैं बहुत, सबसे ज्यादा ये झाड़ियाँ और ये दिल्ली के पहाड़ आप देख सकते हैं वहाँ पे दूर दूर दिख रहे हैं। हमारी ट्रिप आरंभ हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं, सस्ता और टिकाऊ बजट का ट्रिप दिल्ली के पहाड़। भाई पता ना होता है अब लोगों, ये हमारे प्लान बनाने वाले ऑर्गेनाइजर हैं। अभी भट जी कुछ कह रहे हैं, भट जी हम जयपुर जा रहे हैं क्या? और ये पॉपकॉर्न का मजा लिया जा रहा है यहाँ पर, आप भी खाइए। आ गए पहाड़ देख लो, दिल्ली के पहाड़ आ गए हम। ये कौन सी जगह? लेपल ट्रेल द दिल्ली। डक्स एंड डॉग्स कैफे, भाई कैफे ही कैफे इधर तो बहुत सारे कैफे हैं और ये पहाड़ है यहाँ पर। गाइस ये हरे भरे सरसों के खेत, सरसों की खलियान में, और यहाँ पे ये लफंडर फोटो खिंचाएंगे सारे। ये बहुत ही सुंदर सरसों के खेत है यहाँ पर गाइस, आप आ सकते हो देख सकते हो। ये लेपर ट्रेल द पहाड़ी गाइस, ये बॉयज आ गए हैं यहाँ पर लेपर ट्रेल। और ये देखिए अब ये सारे आ गए कैफे, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ का पहाड़ व्यू। ये दिल्ली में ही है आखिरकार, दिल्ली थोड़ा दूर जाके। और ये भट टूट गया, मेरा दिल टूट जाएगा। और ये हमारा सुपर सेवन कैफे, अभी कैफे का मेन्यू दिखा देता हूँ मैं आपको। ये पहाड़ लाए हैं सस्ता एंड टिकाऊ लो बजट द थ्री बॉयज। ये हम आ गए कैंप के लिए और अभी देखने जा रहे हैं रास्ता। बट साहब आप पहाड़ी हो वैसे, तो आपको यह दिल्ली का पहाड़ देखकर कैसे लग रहे हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहोगे? नीचे बहुत सारी भीड़ और पहाड़। तो गाइस अभी हम टॉप पर पहुंच गए हैं और यहाँ से आपका व्यू, लड़के फोटो भी चाह रहे हैं अपने। एक लड़का पीछे रह गया था जो कि आ रहा है, पहाड़ी मैन भट साहब आ गए हैं।
अभी हमें और ऊपर जाना है यहाँ पर, जो कि जाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत भीड़। बॉयज यहाँ पर आ गए हैं, आप व्यू देख सकते हो, बहुत अच्छे पहाड़ हैं, अरावली हिल्स बोलते हैं इन्हें। द बॉयज आर देयर, पार्टी थोड़ी देरों में ही ऑन होने वाली है बॉयज। एंड द यूट्यूबर आल्सो इज देयर। हमें मिल गई है कैंपिंग की जगह और यहाँ पर हम करेंगे कैंपिंग, जो ये एरिया दिख रहा है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन एरिया है, यहाँ पर हम कैंपिंग कर सकते हैं। और गाइस यहाँ से हमें व्यू भी बहुत अच्छा दिखेगा। तो अभी डिस्कशन कर रहे हैं मेरे फ्रेंड्स कि हम करें या नहीं करें, क्योंकि ये दिल्ली वाले बॉयज़ हैं और इनको डर लग रहा है। पर बेटा गाइस ये फिर से प्लान चेंज हो गया हमारा लगता है, तो हम अभी कहीं और जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं मसूरी। मसूरी जो कि हम जाएंगे नहीं, ये चूतिया बना रहा है सबका। तो अभी देखते हैं कि कहाँ जाएंगे, आगे ले जा रहे हैं। ये लोगों को वो जगह पसंद नहीं आई गाइस, आप कमेंट करके जरूर बताना कि वो जगह कैसी थी, हमें वहाँ पर करना चाहिए था कैंपिंग या नहीं करना चाहिए था। पर ऊंट भी देखने को मिला गाइस, ये ड्राइवर नया रखा है हमने, ये सही चला नहीं रहा, ये हमारे बेस्ट ड्राइवर है तेरी भैंस की। भाई यार ये स्पीड ब्रेकर पे गड्ढों में बहुत कुदाने लग गया, मैं तो देख रहा हूं स्पीड ब्रेकर पे काम कर दिया है बट ने। गाइस अभी क्या ही प्लान बताया हम आपको। तो गाइस हमें फाइनली जगह मिल गई है और यहीं पर हम कैंप लगाएंगे। कैंप क्यों लगा रहा है भाई कैंप? और ये पीछे झील है, मुझे लग रहा है बट और ये गाड़ी वाड़ी लग गई हमारी, रात होने वाली है, कहीं जगह नहीं मिली तो फिर हम यहीं आ गए हैं। देख लो व्यू आप, यहाँ पर फैमिलीज और भी आ रखी हैं, कैंपिंग की तैयारी चल रही है। गाइस अभी की जगह देखो, कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, और मैं नाइट भी दिखाऊंगा यहाँ का आपको। ये हमारी प्लेस ढूंढी हमने जहाँ पे कैंप करेंगे, कैंपिंग ऑन हो गई है। ये लड़के लगे हुए मेहनत करने, ये देखो ये खाने में लगा हुआ है हमारा भाई, बहुत सारी मक्खन लगा रहे हैं अभी, ये कबाब सिक रहे हैं। और ये पूरा अंधेरा है देखो, जो हमने भी सब खाली हो गया है गाइस। और तुम्हारा भाई बैठा हुआ है यहाँ पे, इसको सेक रहा है, अच्छा बन रहा है यहाँ पर कबाब। तो गाइस ये मटन के लिए प्याज काट रहा है मेरे दोस्त, और अभी मटन रेडी हो जाएगा थोड़ी देर में, तो देखते हैं। तो गाइस ये देखो वहाँ पर मेरे दोस्त अभी मटन बनाने के लिए सारे सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। चांदनी रात है, चांद ऊपर है बिल्कुल हमारे, और तुम्हारा भाई आग के पास बैठा है बिल्कुल, और बहुत ही मज़ा आ रहा है। कभी आप भी आओ अपने दोस्तों के साथ, बैठो यहाँ पर अकेले, आपको अच्छा लगेगा, यू एंजॉय द मोमेंट। और बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्कूल के दोस्तों के साथ ज़रूर आना एक ट्रिप। ये हमारा मटन बन रहा है, मटन रोगन जोश, और ये हमारे शेफ साहब हैं। अभी तो प्याज ही बन रहा है इसे। एक बन गई लड़की सुंदर है और बता। तो गाइज आओ मेरे हाथ की रोटियां खा लो, ये कितनी सोनी सोनी रोटी बना रहा हूँ मैं गोल गोल, और अंशुल भाई इसको सेक रहे हैं, गरम गरम ताज़ी ताज़ी रोटियां खाएंगे अभी। ये मटन तैयार हो गया है और गरम रोटियों के साथ मटन चलेगा अभी। देखिए आप कितनी गोल रोटियां बन रही हैं, मतलब कि ऐसी रोटियां आपको कहाँ मिलेगी, स्कूल के दोस्त हों, गरम गरम रोटी हो, साथ में मटन हो, क्या ही स्वाद है। अभी पानी आ रहा है, चलो रोटी बना लेते हैं अभी फटाफट, फिर खाना भी है। गाइस तो हम लोग उठ गए हैं, और ये पीछे लड़के हाथ वाथ धो रहे हैं, और अपनी गाड़ी सेफ है,
और ये हमारा टेंट था जिधर हम लोग रात को सोए। हमने बड़ा ही इंजॉय करा है। और अभी आप वेदर देख सकते हो सुबह कि अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर झील भी बगल में ही है जहाँ से हमने सब पानी वानी यूज़ किया है। और वैसे हम पानी लाए भी थे। तो दिल्ली में भी आप एडवेंचर करने यहाँ पर आ सकते हो। सेफ एरिया है बिल्कुल। हम रात में हम लोग यहीं पर सोए हैं। ये हमारा टेंट है वहीं पर। और अच्छा ही ठंडा माहौल रहा है देख सकते हैं आप। बिल्कुल अभी कोहरा जमा हुआ पीछे हमारे। तो वही तो कभी आप भी आइए यहाँ पर और एक्सपीरियंस लीजिए यहाँ पर वन डे वन नाइट स्टे का खुद ही खाना वाना बनाकर। तो गाइस अभी मॉर्निंग में हमने बनाया अंडे और ब्रेड ऑमलेट। और ये हमारे शेफ साहब हैं इसके अंशुल जी। मस्त मस्त बना रहे हैं। इनकी गर्लफ्रेंड तो भाई बहुत खुश होने वाली है इनसे। इनको सब कुछ आता बनाना। तो अंशुल जी ने बना दिया। अभी इसको काटेंगे मस्त और चीज़ वीज़ डाल के मस्त बना दिया है। और इसको भी खाया जाएगा। तो खा के फिर निकल जाएंगे हम वापस घर के लिए। तो गाइस वेलकम बैक अगेन। डे 2 है हमारा और हम लोग जा रहे हैं कहाँ पर बता दीजिए सर। नीमराणा फोर्ट। नीमराणा फोर्ट। आर बट जी हमारे साथ है और हमारा चेंज हुआ है प्लान में। और अंशुल जी बताएंगे क्या हुआ है अभी। तो राम का टाइम से वापस आएंगे। राम का एक इवेंट हो गया कैंसिल। अब राम का इवेंट कैंसिल हुआ है तो हम प्लान कैंसिल नहीं करेंगे। अब हम सीधा लाएंगे गाड़ी नीमराणा। नीमराणा फोर्ट। यस। तो वन जी आपका कुछ टिप्पणियां कहनी है। अंशुल भाई ऐसी बात है नीमराणा फोर्ट का तेरे को चक्कर तो पता नहीं है। एंट्री होती है तेरे को पता है वहां पे एंट्री। तो गाइस हमारा नीमराणा का प्लान हो गया कैंसिल क्योंकि भट्ट जी चाहते नहीं हैं जाना वहाँ पर। कुछ प्रॉब्लम है। तो अब हम वापस जा रहे हैं घर के लिए। बहुत ही मज़ा आया और आनंद आया इस ट्रिप पे और हमने बहुत इन्जॉय करा। होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगे और आप ज़रूर जाएं। कभी ट्राई करना हो तो दिल्ली के पहाड़ों को ज़रूर ट्राई करें जो कि पास ही है अरावली हिल्स लेपर्ड ट्रेल। तो ज़रूर जाएं और इन्जॉय करें अपने दोस्तों के साथ। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिएगा अब स्टैक द व्लॉगर। मिलते हैं नए व्लॉग में।